हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपीआर आप नॉलेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस भाग सात में। हम पढ़ेंगे सिंटेक्स को किस तरह से एडजेक्टिव के रूप में चेंज करते हैं। यहां पर देखेंगे सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटेक्स को एडजेक्टिव में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में इसमें हम सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ शब्दों का प्रयोग देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे ओल्ड के दो प्रकार के फॉर्म होते हैं। जैसे दोस्तों, सिंटेक्स में एडजेक्टिव को ओल्ड के दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। ओल्ड को किस किस प्रकार से, यहाँ पर देखेंगे नंबर एक है हमारा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये नंबर एक है दोस्तों, इसे हम किस तरह से यूज करेंगे। तथा ये नंबर दूसरा है ओल्ड, इल्डर और इल्डेस्ट, इन दोनों को सिंटेक्स में एडजेक्टिव के फॉर्म में किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में आगे सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर एक, पहले यहाँ पे ये रहा नंबर एक, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। यहाँ से यूज करने से पहले यहाँ पे समझ लेंगे इन शब्दों का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहला, जैसे राम इज एन ओल्ड मैन, यहाँ पे देखेंगे कि राम एक बूढ़ा आदमी है, यहाँ पे ओल्ड के लिए यूज किया गया। राम क्या है, व्यक्ति है, ठीक। दूसरा देखेंगे सीता इज ओल्डर देन रेनू, यहाँ पे सीता जो है एक लेडी है, ठीक है, ओल्डर देन रेनू, मतलब कि सीता जो है वह रेनू से ज्यादा बूढ़ी है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा फॉर्म, महेश इज द ओल्डेस्ट मैन इन माई विलेज, मतलब कि मेरे गांव में महेश सबसे बूढ़ा आदमी है। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म एक ओल्ड आया, दूसरा फॉर्म आया ओल्डर, ठीक है, अब तीसरा आया ओल्डेस्ट, तो तीनों का यूज हुआ दोस्तों इस तरह से। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरे का हम देख लेंगे, दूसरा ये रहा हमारा ओल्ड, इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग एक परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहता है, मतलब कि दोस्तों परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसके लिए ओल्ड, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसे किस तरह से यूज करेंगे एग्जांपल के अनुसार समझते हैं हम। यहाँ पे नंबर एक देखेंगे, सी इज एन ओल्ड लेडी, वह एक बूढ़ी औरत है, यहाँ पे देखेंगे एक ओल्ड, दूसरा देखेंगे इसी तरह से सी इज माई इल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है, और इसी तरह से तीसरा भी देखेंगे, अंकित इज माई इल्डेस्ट सन, अब यहाँ पे अंकित मेरा बड़ा बेटा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला एक आया ओल्ड, दूसरा आया क्या इल्डर, तथा तीसरा क्या आया इल्डेस्ट, यहाँ पे तीनों का यूज हुआ, इस तरह से यूज करेंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम करेक्ट यूज ऑफ सम वर्ड्स, मतलब कि दोस्तों कुछ शब्दों का प्रयोग करके देखेंगे, जैसे सम एंड एनी, सम और एनी का यूज कहाँ होता है और किस तरह से होता है सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव में, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नंबर एक देख लेंगे, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रागेटिव में किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, सम का मतलब कुछ होता है, सम का प्रयोग साधारण के लिए होता है, साधारण वाक्य के लिए होता है, तथा एनी का प्रयोग जो है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर एक देखेंगे, ही विल बाई सम बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी, यहाँ पे सम का यूज हुआ जो कि क्या है, एक साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा एनी का यूज है, सी विल नॉट बाई एनी बुक, अब यहाँ पे बाई के साथ एनी लगा हुआ है, तो यहाँ पे बाई के बाद यहाँ पे सम लगा है यहाँ पे, जो कि साधारण वाक्य है, और उसी तरह से यहाँ पे इसमें नॉट आया नकारात्मक, इसके लिए बाई के साथ एनी का प्रयोग हुआ बाई, ठीक है, ये नेगेटिव हुआ, सी विल नॉट बाई एनी बुक, उसने कोई भी किताब नहीं खरीदी। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, तीसरा हैव यू बॉट एनी बुक, क्या तुमने कोई किताब खरीदी, यहाँ पे देखेंगे हैव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें बाई के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, बॉट यूज हुआ और बाई के साथ एनी का यूज हुआ है, ठीक, यह क्या हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा की यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे कुछ विशेष नोट्स हैं, इसे हम समझ लेंगे, हार्डली, स्केयरली, बेरली, सेमी नेगेटिव, मतलब ये भी छोटे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य में ही आते हैं, तथा इनके साथ भी एनी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों वाक्य में हार्डली, स्केयरली, बेरली अगर इस टाइप के वर्ड आए या वाक्य में इस तरह के वर्ड का यूज किया गया, तो वहां भी समझ लेंगे हम कि यहाँ भी नेगेटिव के साथ जो है एनी यूज करना है। यहाँ पे जैसे कि देख लेंगे, सी हैज हार्डली एनी फूड, यहाँ पे देखिए एनी के साथ हार्डली यूज हुआ है। दूसरा देखेंगे, ही विल स्केयरली डू एनी थिंग, यहाँ पे भी देखिए एनी के साथ क्या हुआ, स्केयरली के साथ एनी यूज हुआ है, ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी तरह से, नंबर दूसरा पॉइंट, प्रश्नवाचक वाक्य में यदि निवेदन या निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो तो सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, यदि किसी वाक्य में निवेदन या रिक्वेस्ट
और यहाँ पे किसी को इनविटेशन या निमंत्रण दिया गया तो वहां भी किसका यूज करेंगे, सम का ही यूज करेंगे। इसे हम एग्जांपल के अनुसार समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे एग्जांपल नंबर एक, विल यू हैव सम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, निमंत्रण दिया, सॉरी दोस्तों निमंत्रण दिया जा रहा है, उसके लिए क्या हुआ है यहाँ पे सम का यूज हुआ है। दूसरा देखेंगे, विल यू गिव मी सम मनी प्लीज, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे सम का यूज हुआ है। तीसरा पॉइंट देखेंगे इसी तरह से, नेगेटिव में एनी का प्रयोग नॉट के साथ होता है, नो के साथ नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव में अगर एनी का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे एनी के साथ नॉट यूज होगा, न कि नो यूज होगा। इसे भी एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट एनी मनी, ठीक, यहाँ पे नॉट के साथ एनी यूज हुआ है। दूसरा देखेंगे इस तरह से, यू हैव नॉट एनी थिंग, यहाँ पे भी नॉट के साथ एनी यूज हुआ है। अब इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि फ्लो में इस तरह से बोल रहा है, आई हैव नो एनी मनी, तो यहाँ पे नो जो यूज हुआ है एनी के साथ, जो ये नो यूज हुआ है यह यूज नहीं होगा, यह इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे विशेष पॉइंट एक है, उसे भी देख लेंगे। नॉट एडवर्ब है जो एनी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जबकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव है, अर्थात दोनों का प्रयोग एक साथ अशुद्ध है। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों, एनी जो है वह नॉट के बाद जो है एडजेक्टिव आया है, एनी आया है, और एनी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब एनी जो है वह एडजेक्टिव को बनाता है, उसके जरिए नो और एनी दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। इसके लिए अगर एनी यूज है तो उसके पहले नो का यूज नहीं होगा, नॉट का ही यूज होगा, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर चार देखेंगे, ईच एंड इवरी का प्रयोग। ईच एंड इवरी दोनों का हिंदी रूपांतरण प्रत्येक है, किंतु इच से इवरी शब्द ज्यादा व्यापक है। ईच का प्रयोग निश्चित एवं सीमित संख्या के लिए किया जाता है, जबकि इवरी का प्रयोग अनिश्चित व असीमित संख्या के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ईच और इवरी दोनों का मीनिंग जो है वह एक ही होता है, जो इसका प्रत्येक होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है और इवरी का यूज कहाँ होता है, यहाँ पे दिया है कि इच से इवरी शब्द ज्यादा व्यापक है, जो इवरी है जो दोस्तों वह इच से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। तो यहाँ पे देखा कि इच का प्रयोग जो है वह निश्चित और असीमित, निश्चित और सीमित संख्याओं के लिए किया जाता है, जबकि इवरी का प्रयोग अनिश्चित और असीमित संख्याओं के लिए यूज किया जाता है। तो किस तरह से यूज करेंगे, आगे हम इसे एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर एक, यहाँ पे देखेंगे इवरी सीट वॉज रिजर्व, हर सीट रिजर्व है, बुक है। तो यहाँ पे क्या है कि सीट जो क्या है इवरी आया, मतलब कि यह अनिश्चित है। जैसे कि ट्रेन की बर्थ होती है, आज जिसने अगर बुक किया उसके लिए वह रिजर्व है, और उसके बाद कल दूसरा कोई बुक करेगा तो उसके लिए रिजर्व हो जाएगा, मतलब कि यह अनिश्चित है, कोई भी करेगा बुक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, टू गर्ल्स वेयर सीटेड ऑन ईच बेंचेस, मतलब कि इस बेंच पे दो ही लड़कियां बैठ सकती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे टू गर्ल्स, ईच का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इवरी हुआ, ठीक है, जो कि अनिश्चित है और असीमित है, यहाँ पे इच हुआ क्योंकि एक बेंच है उसपे दो ही लड़कियां बैठ सकती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यह निश्चित है कि दो ही लड़कियां बैठेंगे या दो ही पुरुष बैठेंगे, कोई भी निश्चित है कि दो ही लोग बैठेंगे, इसके लिए यहाँ पे इच का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, इट रेन्ड एवरी डे इन रेनी सीजन, मतलब कि देखो बारिश के दिनों में कभी भी बारिश हो सकती है, इसके लिए यहाँ पे इवरी का प्रयोग हुआ, ना कि इच का प्रयोग हुआ, क्योंकि इच का प्रयोग जो है निश्चित के लिए होता है। यहाँ पे दिया गया इच का प्रयोग जो है निश्चित और सीमित संख्या के लिए या सीमित वर्ड के लिए यूज किया जाता है, जबकि इवरी का प्रयोग होता है असीमित, अनिश्चित और असीमित के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, There were five boys, each of them was weeping, मतलब कि यहाँ पांच बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा रो रहा है। अब यहाँ पे फिक्स है कि पांच बच्चे हैं, निश्चित है कि पांच बच्चे हैं, फाइव बॉयज, यहाँ पे निश्चित है कि पांच लड़के हैं, उनमें से each of them, उनमें से एक रो रहा है, यहाँ पे मतलब कि निश्चित है पांच संख्या, इसके लिए यहाँ पे each का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसे आगे बढ़ते हैं, नंबर पांच, लिटिल अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। नंबर एक पॉइंट देखेंगे, लिटिल का अर्थ है हार्डली एनी, मतलब कि इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कुछ नहीं होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव में होता है। अगर दोस्तों किसी भी शब्द में अगर कहा गया कि लिटिल के अर्थ में हार्डली एनी का प्रयोग किया गया हो तो वहां पे उसका अर्थ समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो इसे हम एग्जांपल के अनुसार समझेंगे, देखते हैं एग्जांपल। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है, यहाँ पे लिटिल का प्रयोग हुआ है, क्या कौन सा नेगेटिव नहीं है, ठीक है दोस्तों। देयर इज लिटिल होप ऑफ,
छोटी सी आशा सक्सेस आपको बना सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिटिल का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिचर, मतलब कि थोड़ा सा पानी, कुछ भी पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है घड़े में। यहाँ पे भी वाटर जो है वो क्या है, हमारा नाउन है, और यहाँ पे लिटिल का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पॉइंट, अ लिटिल का अर्थ है सम थो नॉट मच, का मतलब ही कुछ थोड़ा। यहाँ पे हार्डली एनी का मतलब कुछ नहीं होता है, अब यहाँ पे सम थो नॉट मच का मतलब कुछ थोड़ा। इसका प्रयोग सकारात्मक मतलब की पॉजिटिव के लिए किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है, एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। तो यहाँ पे अ लिटिल का यूज मतलब थोड़ा, कुछ थोड़ी सी जानकारी भयानक होती है, खतरनाक होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह के, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, सेम टू सेम इसका ही पॉइंट यहाँ पे भी यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर तीन पॉइंट, द लिटिल, यहाँ पे द लिटिल, नंबर एक लिटिल, दूसरा अ लिटिल, तीसरा द लिटिल। द लिटिल थोड़ा किंतु सब, मतलब थोड़ा सा ही लेकिन सब हो। इसका भी एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ही गेव हर द लिटिल मनी ही बैड, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा लेकिन सब कुछ है, पैसा ही थोड़ा सा है लेकिन सब कुछ है, यहाँ पे द लिटिल का यूज हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द लास्ट द लिटिल मनी दे बैड, यहाँ पे भी द लिटिल का ही यूज हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आप नंबर सिक्स, फ्यू अ फ्यू द फ्यू का प्रयोग। अब यहाँ पे फ्यू अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे नंबर एक पॉइंट में देखेंगे, फ्यू का अर्थ है लिटिल की भांति, हार्डली एनी मतलब कि कुछ नहीं होता है, जिसका प्रयोग नेगेटिव में ही होता है। सेम टू सेम हार्डली एनी की तरह ही फ्यू का अर्थ लिटिल के अर्थ में ही यूज होता है। इसे एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे फ्यू वुमन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ औरतों के कुछ रहस्य होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे फिर मैंने कुछ कुछ भी नहीं होते हैं या कुछ होते हैं, यहाँ पे फ्यू का यूज हुआ, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल, स्कूल में उसको कुछ मित्र नहीं है या कुछ मित्र है, तो यहाँ पे भी देखेंगे फ्यू का ही यूज हुआ। नंबर दूसरा देखेंगे पॉइंट, अ फ्यू का प्रयोग सम के अर्थ में पॉजिटिव होता है, जैसा कि हमने पीछे ही पढ़ा वैसे ही सम का यूज, सम का अर्थ पॉजिटिव में ही होता है, कुछ ही होता है, ठीक। आगे देखेंगे एग्जांपल के अनुसार, जैसे अ फ्यू बॉयज इन माय क्लास कैन स्पीक हिंदी, मतलब कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ अ फ्यू का यूज हुआ, सी वांट्स अ फ्यू बुक्स, उसे कुछ किताबें चाहिए, यहाँ पे भी अ फ्यू का यूज हुआ। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखेंगे हम इसी तरह से, द फ्यू का अर्थ थोड़ा किंतु सब होता है, पीछे के ये पॉइंट की ही तरह ऐसे भी देख लेंगे। नंबर एक एग्जांपल, ही गेव हर द फ्यू क्वाइंस ही हैड, उसके कुछ क्वाइंस की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे, द फ्यू वर्ड्स दैट सी स्पोक वेयर ट्रू, उसने कुछ शब्द सही बोले थे, यहाँ पे भी द फ्यू का यूज हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम नंबर सात, लेटर लेटेस्ट लेटर और लास्ट का प्रयोग। यहाँ पे चार वाक्य दिया गया है, लेटर का मतलब बाद में, लेटेस्ट का मतलब नया, लेटर का मतलब पत्र होता है, लास्ट का मतलब अंतिम होता है। तो चारों का मीनिंग अलग है और किस तरह से यूज होगा उसे भी हम यहाँ पे एग्जांपल के अनुसार समझेंगे। नंबर एक देखेंगे, लेटर लेटेस्ट का अर्थ समय, यानी कि समय से है, टाइम से है, ठीक है, वह किस तरह से समय सूचक को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, उसके अनुसार यहाँ पे एग्जांपल के अनुसार हम इसे समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे, राम रिच्ड द कॉलेज लेटर देन श्याम, मतलब कि राम जो है श्याम से पहले कॉलेज में पहुंच गया। यहाँ पे लेटर का मतलब अर्थ नहीं है, यहाँ का लेटर का मतलब टाइम से है, समय से है, ठीक, जैसा कि इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अब, व्हाट इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ताजा खबर क्या है, लेटेस्ट यहाँ पे दूसरा, लेटेस्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट इज लेटेस्ट का मतलब यहाँ पे भी समय से ही, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यू केम लेटर देन ही, मतलब तुम उससे लेट में आए, लेटर का मतलब यहाँ पे यू केम लेटर देन ही, तुम उससे लेट में आए। यहाँ पे भी देखिए अलग अलग शब्दों में अलग अलग यूज हुआ है लेकिन भाव जो हुआ है एक ही है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, मतलब इस किताब का यह सबसे लेटेस्ट एडिशन है, सबसे नया एडिशन है। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला देखेंगे, लेटर और लास्ट, मतलब कि ये क्या व्यक्त करते हैं, स्थिति पोजिशन, ठीक है, अथवा क्रम ऑर्डर, ये लेटर और लास्ट का मतलब दोस्तों स्थिति और ऑर्डर जो है व्यक्त कराते हैं। तो इसे हम किस तरह समझेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, द लेटर चैप्टर ऑफ द बुक are not satisfied, मतलब दोस्तों इस किताब की जो चैप्टर है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह के, द लास्ट पेज ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि इस किताब का लास्ट जो पेज है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव के संबंध में विशेष जानकारियां, मतलब यहाँ की एडजेक्टिव जो है वो सिंटेक्स ऑफ, जो एडजेक्टिव यूज करेंगे दोस्तों हम, सिंटेक्स में एडजेक्टिव के कुछ विशेष जानकारी होती है जिसे हम
जानना जरूरी है। यहाँ पे नंबर एक देखेंगे, यदि एक ही वस्तु बहुत से एडजेक्टिव का प्रयोग एक ही नाउन के लिए करना हो तो इसका प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है। कहने का मतलब कि यदि एक ही साथ बहुत से एडजेक्टिव का प्रयोग एक ही नाउन के लिए करना हो तो इनका प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे हम, अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक ही वाक्य में यूज करेंगे तो वह नाउन के बाद ही यूज होंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे अ मैन यंग स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे एक ही नाउन है, ठीक है, मैन, तो उसके लिए क्या है, यंग जवान भी है, स्ट्रॉन्ग मजबूत भी है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान भी है, तो इसके लिए नाउन के बाद एक एडजेक्टिव, फिर दूसरा एडजेक्टिव, फिर तीसरा एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे दूसरा देखेंगे, यदि एक एडजेक्टिव दूसरे से लंबा हो तो छोटे एडजेक्टिव को पहले रखना चाहिए। कहने का मतलब अगर एक ही वाक्य में एक छोटा एडजेक्टिव और दूसरा बड़ा एडजेक्टिव है तो छोटे वाले एडजेक्टिव को पहले और उसके बाद बड़े वाले एडजेक्टिव को रखते हैं। तो इससे एग्जांपल के अनुसार समझेंगे, आई एन ओल्ड एंड कंसेंसियस सर्वेंट। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कंसेंसियस जो है वह क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि बड़ा एडजेक्टिव है। यहाँ पे आई एन जो है, आई एन ओल्ड जो है वो छोटा वाला एडजेक्टिव है और ये कंसेंसियस जो है वह बड़ा वाला एडजेक्टिव है। इसके लिए छोटा वाला पहले उसके बाद बड़ा वाला बाद में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर तीन देखेंगे हम, जब एडजेक्टिव को किसी क्वालिफाइंग फ्रेज के द्वारा बढ़ाया जाता है तो उसे हमेशा नाउन के बाद रखा जाता है। क्वालिफाइंग फ्रेज मतलब दोस्तों फ्रेज जो होता है वह क्वालिफाइड फ्रेज होता है, उसे जब एडजेक्टिव यूज होता है तो उसे नाउन के बाद ही रखा जाता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे एग्जांपल के अनुसार, अ मैन डियर टू ऑल, एक आदमी जो सबको प्यारा है, यहाँ पे डियर टू ऑल जो है वह क्या है, क्वालिफाइंग फ्रेज है, ठीक है, जिसे नाउन, मैन जो है वह क्या है, नाउन है, उसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग फ्रेज जो है वह डियर टू ऑल जो है, इसके लिए नाउन के बाद ही से यूज हुआ है। दूसरा देखेंगे, अ डियर टू ऑल मैन, अब यहाँ पे भी अ डियर टू ऑल जो है वह क्या है, एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग फ्रेज है, उसके बाद यहाँ पे रखा गया है नाउन, उसी को उल्टा कर दिया गया है। तीसरा देखेंगे, अ मैटर टू अर्जेंट टू बी पुट ऑफ एनी लॉन्गर, अब यहाँ पे भी अर्जेंट जो क्या है वह क्या है, ये भी हमारा क्वालिफाइंग फ्रेज है, अ मैटर टू, टू जो है क्या, टू माने भी, उसको भी यहाँ पे लिखा गया है नाउन के बाद ही यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, अ डॉक्टर वेल रेकग्नाइज्ड इन ऑल द आर्ट ऑफ मेडिसिन एंड वर्थी ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पे वेल जो है वो क्या है, हमारा क्वालिफाइंग फ्रेज है, जिसे डॉक्टर क्या है, हमारा नाउन है, इसके लिए नाउन के बाद इसे ही यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर चार, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल के लिए प्रयोग होता है तो उसे भी नाउन के बाद रखते हैं। टाइटल का मतलब दोस्तों किसी भी मेन हेडिंग जो होता है उसे टाइटल बोलते हैं, किसी भी विषय के लिए जो मेन हेडिंग यूज किया उसे टाइटल बोलते हैं। अगर एडजेक्टिव टाइटल के यूज होता है तो वो भी नाउन के पहले ही रखा जाएगा, नाउन के बाद रखा जाएगा, सॉरी दोस्तों। एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे, जैसे कि एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर महान था, तब क्या है यहाँ, एलेक्जेंडर क्या है, हमारा नाउन है, उसके बाद यहाँ पे द ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव टाइटल है, ठीक है। अशोका द ग्रेट, अशोका भी यहाँ का हमारा नाउन है, उसके बाद उसकी गुणवत्ता क्या है, महानता की, जो कि एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन के बाद रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द ग्रेट, अकबर भी यहाँ क्या है, हमारा नाउन है, उसके बाद क्या रखा गया है, एडजेक्टिव टाइटल रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर पांच, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज देखिए, अब एडजेक्टिव को किस तरह से प्रेडिकेटिव, मतलब देखिए एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट का ही जो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो उसी के बारे में प्रेडिकेट मतलब की ऑब्जेक्ट के यूज में कैसे किया जाता है। माई फादर लेफ्ट मी पुअर, मतलब मेरे पिताजी मुझे गरीब छोड़ के चले गए। दूसरा भी देखेंगे, द जज डिक्लेयर्ड हिज हिम गिल्टी, उसकी सजा को जज ने क्वालिफाई डिक्लेयर किया, निश्चय किया। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।